हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल भारत दर्शन स्टूडियो। और इस वीडियो में आपको कराएंगे मुंबई फिल्म सिटी कंप्लीट टूर। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फिल्म सिटी पर। सामने आप देख सकते हैं फिल्म सिटी का मेन गेट है और फिल्म सिटी मुंबई के गोरेगांव पर स्थित है। गोरेगांव स्टेशन पर उतर कर ऑटो, टैक्सी, प्राइवेट व्हीकल कैसे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, मात्र चंद मिनटों की दूरी पर ये स्टेशन स्थित है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कंप्लीट फिल्म सिटी और दिखाते किस प्रकार से यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। दोस्तों, मेन एंट्रेंस गेट के ठीक बाजू में ही टिकट काउंटर स्थित है, जहां से आप मुंबई फिल्म सिटी टूर का टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो बुक माई शो के थ्रू ऑनलाइन भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। और फिल्म सिटी टूर के लिए आपको पे करने होंगे मात्र 650 रुपये। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यह रहा फिल्म सिटी का मेन एंट्रेंस गेट। और यहाँ जाने के लिए आपके पास या तो फिल्म सिटी का टिकट होना चाहिए या फिर आप फिल्म सिटी के कर्मचारी होने चाहिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फिल्म सिटी के टूर पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने जो बस खड़ी हुई है यह फिल्म सिटी की टूर बस है। दोस्तों, जब आप फिल्म सिटी का टिकट निकालते हैं तो इसी टूर बस के थ्रू आपको फिल्म सिटी का कम्प्लीट टूर कराया जाता है। बस बहुत ही लग्जरी और कम्प्लीटली एयर कंडीशनर्ड है। दोस्तों, अभी हम आपको बस के अंदर लेकर चलेंगे और इसी बस के थ्रू हम जाएंगे फिल्म सिटी के टूर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बस के अंदर का नज़ारा। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं बस के अंदर। बस के अंदर फिल्म सिटी का एक कर्मचारी एक लिस्ट लेके खड़ा हुआ होता है, जो कि हर एक मेंबर को नाम के साथ बुलाता है और उसे अलॉट की गई सीट पर उन्हें बैठाता है। आप देख सकते हैं बस अंदर से कितनी लग्जरी, नीट एंड क्लीन है। और इसमें बड़े बड़े ग्लास लगे हैं, जिसमें से आप हर एक फिल्म लोकेशंस को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, बस में हर प्रकार की सुविधा है, जैसे LCD स्क्रीन। और ये कार्ड्स आपको टूर के दौरान दिया जाएगा, जिसे आपको अपने गले में डाल कर रखना है, क्योंकि बगैर कार्ड को आपको अंदर किसी भी लोकेशंस पर घूमने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, इस LCD स्क्रीन पर आपको हर एक लोकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि जिस जगह पे जिस फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिस प्रकार से उस सीन को लिया गया था, उसका व्यू आपको इस LCD में दिखाया जाएगा, जिससे आप बिल्कुल पहचान सकते हैं कि ये सीन यहाँ पे लिया गया था। और आप ये भी देख सकते हैं कि फिल्म एडिटर किस प्रकार से उस लोकेशन को कम्प्लीटली चेंज करके आपके सामने लेकर आता है। तो दोस्तों, ये सब कलाकारों का कमाल होता है, जो आपको पूरे टूर में सारी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल बताया जाएगा। दोस्तों, इस टूर में हमारे साथ होंगे फिल्म सिटी के एक गाइड, जो हमें फिल्म सिटी पूरा घुमाएंगे, वहां के बारे में सारी जानकारी देंगे, सारे लोकेशंस दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे गाइड से। जानते हैं आप लोग मुझे? नहीं ना, अभी जान जाएंगे। दोस्तों, ये हमारे फ्रेंड फिल्म सिटी टूर गाइड, जिनका नाम है सभीक रंगरेज। और इनके टैलेंट के बारे में तो क्या कहना। दोस्तों, ये हर प्रकार की आवाज़ निकालने में माहिर हैं और बहुत सारे फिल्म्स और सीरियल्स में इन्होंने अपनी आवाज़ भी दी हुई है। तो चलिए इनके साथ पूरे फिल्म सिटी टूर का आनंद लेते हैं। आपके घर पे रोज आता हूँ, टीवी पर आप लोग को नहीं मालूम है, मगर अभी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे जितने छोटे बच्चे बैठे मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सीरियसली ये बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन बच्चों के लिए सलमान खान से बढ़कर हूँ। मेरी सच्चाई जानते तो बच्चे अपनी सीट पर सो चल जाते हैं। दिखाओ, कार्टून देखते हैं कभी आप लोग टीवी पर? इस वक्त एक कार्टून आपके घर पे आ रहा है, उसमें जो आवाज होती मेरी होती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करते हैं उसे। ये रही आवाज। भैया, आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया। ओए योगी, ओए मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो माथा खराब हो रहा है। तूने मेरी टीवी तोड़े है, अब मैं तेरी करूंगा ढाके टके। बचाना, यस, थैंक यू। और ये किस एक्टर की आवाज है? अरे हमें मालूम है बाबूजी, बहुत अच्छी बात है। अरे हम क्या मंदिर के घंटा है, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, आओ हमें मारो। हाँ हाँ हाँ, बचाना। राजपाल यादव, एक और आवाज, उसके बाद ये सफर अपना शुरू हो रहा है। स्टीमर की आवाज, जिसे पानी वाली बोट कहते हैं। स्टीमर चल रही है, तेल खत्म होने पर रुकती कैसे? ये स्टीमर की आवाज। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। तो एक तरह से हम लोग पिकनिक पे जा रहे, खुश रहेगा, एंजॉय की जगह एंटरटेनमेंट हम करेंगे, ओके? तो आप अपने घर के सारे टेंशन को बाहर छोड़ दे कुर्सियों पर, हम जब लौटेंगे तो लेते चलेंगे। सभी को चिप्स के पैकेट मिल गई? Yes. पिस्तलेरी के बच्चे मिले? Yes. हाँ जी, बच्चे एकदम पापे पे गए। एक्सक्यूज मी, आज इस बस में मुझे काम करते करते 90 साल हो चुका है। हाँ, टेंशन की बात नहीं, दूसरा जन्म है, फिल्म वाले आदमी है। जी तरह अच्छी तनख्वाह मिलती तो बाजे हम ले लेते। मैडम जी, मैडम जी, मैं भी फिल्मों में काम करता हूँ, मैंने 70 पिक्चर में काम किया है। मतलब पिक्चर का नाम 70 है, अभी तक लगी नहीं है, डायरेक्टर गरीब हो गए। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग बाहर से है ना? हम घर से है।
हम बताना चाहेंगे, जिस वक्त आपने टिकट निकाली उस वक्त आपको ये बताएगा होगा कि जो टूर हमारी है फिल्म सिटी जानकारी की टूर है, फेमस लोकेशन दिखाने की टूर है। शूटिंग दिखाना, एक्टर से मिलवाना टूर का उद्देश्य नहीं है। अगर कहीं शूटिंग चल रही है तो लोग बस में से देखते हैं, दो जगह उतरते हैं जहां पे हमारी फोटोग्राफी होनी है, अगर वहां शूटिंग चलेगी दूर से देख सकते हैं लोग। ओके, तो प्लीज जितना करिएगा, मैं एक्टर से मिलनी है, मुलाकात करनी है, तो ये टूर में होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है सर जी, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? चीनी डब्बा गर्म कर लेना चाहिए। हर बात उंगली करना ठीक नहीं है जी। आज आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी जिसे सुनकर मजा आएगा जी। हाँ, चलिए मैं निकल लूं। मैडम जी, आज खूब बातें बताऊंगा, ज्यादातर मेरी बातें बचपन की होती हैं, मजा आएगा। चलिए, ये टूर शुरू हो रहा है, सभी लोग खुश रहना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, ऐसे लगना चाहिए जैसे 650 रुपए लगे आपके। हाँ जी, आप ज्यादा मुस्कुरा रहे, मतलब 4-5 टिकट लिए। चलिए, हम जब लौटेंगे तो सारी चीजें धुल चुकी होंगी, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ये रहा बच्चों का सीरियल, क्या नाम है जी? अलादीन। नी पे बगदाद बना हुआ सर जी, झूठ मूठ का। एक्सक्यूज मी, हेलो सर जी, यहाँ अच्छा साले मजनू चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है सौरत है, वेलकम मैदान कहते हैं इसे। दोस्तों, इस मैदान को वेलकम मैदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्षय कुमार और नाना पाटेकर की वेलकम मूवी की शूटिंग हुई थी। और एक सीन अगर आपको याद होगा जिसमें एक घर के अंदर एक गेम खेला जाता है और बाद में उस घर को खाई में गिराया जाता है, वह सीन यहीं पर फिल्माया गया था। यही पर रॉय पिक्चर का सबसे प्यारा गाना फिल्माया गया था जी। हाँ, हीरोइन का नाम मालूम होगा आप लोग को, वैसलीन फर्नांडिस। अच्छा, जैकलीन, ऐसे नाम तो इतना बढ़िया हो। माँ का नाम बोरो प्लस, सास का नाम ईशगाट, ससुर शंडुवाम। चल भाई निकल ले। फ्रेंड्स, सामने आप जो बड़ा सा सेट लगा हुआ देख रहे हैं, यह बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर जी हाँ संजय लीला बंसाली जी की आने वाली मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी का सेट है। दोस्तों, बाहर से आप देखिए किस प्रकार से फिल्म का सेट बनाया जाता है। ऊपर जो पोल्स लगे हुए हैं, जो ग्रिल्स लगे हुए हैं, इन पर पूरी लाइटिंग की जाती है। और नीचे आप देखिए लकड़ी, प्लाईवुड और लोहे से ये सेट बनाया गया है। कंप्लीट सेट आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सेट है ये। संजय लीला बंसाली जी की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का सेट है, यहाँ पर इसकी शूटिंग रेगुलर चल रही है और आने वाले कुछ महीने में आपको ये बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। साउथ इंडियन मूवी चल रही है यहाँ पर, साउथ की मूवी है। अभी एक मिनट बढ़ाना मत, देखते शायद। एक तो साउथ के जो हीरो होते हैं सब काले काले होते हैं, हीरोइन गोरी होती है बस, है ना। और जितने विलेन होंगे उनकी फेवरेट पहचान, फेवरेट ड्रेस होती लुंगी, वो भी एक माला फोल्ड कर लेते हैं, देख लो सब फोल्ड पहन के घूम रहे हीरो। दिख गया भाई, रेड वाला। कौन रेड वाला? नहीं नहीं, वो नहीं है। इल्ले इंड्रे रस्कल है, कुछ तो बोल रहा होगा बंदा। चले, एक्सक्यूज मी, छोड़िए, नहीं समझ आ रहे। फ्रेंड्स, सामने आप जो ये सीढ़ियों वाली बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है मुक्ता आर्ट्स और यह मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई जी का ऑफिस है। बहुत सारे मूवी की शूटिंग भी इस जगह पर की गई है। अक्षय कुमार की मूवी राउडी राठौर का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग चिंता ता चिता चिता की शूटिंग यहाँ पर की गई है। स्क्रीन शॉट पर आप देख सकते हैं डांस करते हुए अक्षय कुमार नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे वो सीढ़ी और बिल्डिंग स्पष्ट नज़र आ रही है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और लोकेशन आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इसे आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, अक्सर इस बिल्डिंग को मूवी में कोर्ट बनाया जाता है। कोर्ट, पंजाब कोर्ट, गांधीनगर कोर्ट, आसाम कोर्ट, कलकत्ता कोर्ट और मलाड कोर्ट, है ना, और पटना कोर्ट और सिलीगुड़ी कोर्ट, बेंगलोर कोर्ट सर जी, हरियाणा कोर्ट, सारे कोर्ट यही है। सनी पाजी ने यहाँ पे एक डायलॉग दिया था, याद होगा आपको। मैं सनी पाजी की ओरिजिनल आवाज अपने गले से निकाल रहा हूँ, पहचानिएगा, सनी पाजी ने यहाँ पे ऐसे बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलाड, आज तक इंसाफ नहीं मिला है, मिला तो सिर्फ वड़ा पाव मिला हमें। बाबूजी, मैंने यहीं पे चड्डा को बहुत मारा था, और मैडम जी, मैं पाकिस्तान जाके हिट बम उखाड़ चुका हूँ, आवाजें पसंद आए तो ताले होने चाहिए सभी के हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और इकट्ठी आगे ले चलो।
दोस्तों इंसानों के कोर्ट के ठीक बगल में स्थित है ऊपर वाले का कोर्ट, अर्थात ये चर्च जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी मूवी में इस चर्च का सीन लिया गया है। और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये जो चौल, इस चौल को आपने अक्सर बहुत सारी मूवी में देखा होगा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, एक बहुत ही फेमस मूवी फिर हेरा फेरी में इस चौल में सीन लिया गया था। यह बाबू राव का चौल होता है जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल रहते हैं, और यहीं पर वो जॉनी लीवर के साथ लड़ाई करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट में, हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके मन में ज्यादा चल रहा था, जी हाँ, और आपके मन में यार इतनी कार अंदर जा रही, इतनी ऑटो ले जा रहे, बाइक वाले जा रहे, हमें परमिशन कहीं नहीं मिल रही भाई, सही पकड़े है ना। तो मैंने आपको चूम करके देखा था, आपके मन में ही चल रहा था। तो जितने बंदे होते हैं वो लोग काम करने वाले होते हैं, कोई लकड़ी काटने वाला, कोई पेंटर, कोई लाइट वाला, कोई जूनियर आर्टिस्ट, कोई कैमरा मैन, इस तरह से सेटिंग वाले होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। उन्हें अपने घर पे टीवी पे देखा कि हीरो हीरोइन फोन पर बात करते हैं, तो हम सोचते हैं इनका घर कहीं और, इनका कहीं और होगा। जी नहीं, एक रूम की चार दीवारी खड़ी करते हैं लकड़ी प्लाईवुड से, खिड़की पिछले देख पा रहे हो, थोड़ा आधा किलोमीटर आगे लो, तो लकड़ी प्लाईवुड से दीवारें खड़े करते हैं, चारों के अलग अलग कलर करते हैं, चारों को सजा दिया, एक तरफ हीरो खड़ा है, दूसरी तरफ हीरोइन खड़ी है, बात फाइनल हो गई। सर जी मेरा नाम शफीक रंगरेज है, मुझे ऊपर वाले ने बहुत अच्छी कलाओं से नवाजा है, हम पूरे भारत में शो करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तीन आवाजें दे रहे हैं। याद होगा बचपन में चुड़ैलों की फिल्में देखी होंगी आपने, चुड़ैले टीवी पर आती है तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती है, फिर घुंघरू के चलने की आवाज, फिर दरवाजा खुलता है ना, ये तीनों आवाजें। क्या किसी के मुंह से घुंघरू की आवाज आ सकती है सर जी? ये देखिएगा घुंघरू के चलने की आवाज ऐसी होती थी, हम लोग बचपन में डर जाते थे ऐसे। दरवाजा खुलता कैसे, 20 साल बाद खुला, जंग लगा हुआ है ऐसे। घुंघरू पहन के चुड़ैल बहुत दूर तक जा रहे, घुंघरू कम होते चल जाते हैं ऐसे। सर जी घुंघरू टूट के बिखरते सीढ़ियों पे से, तो ऐसे बिखरते हैं। शुक्रिया। महल से महाराज निकलते, बताओ किस पे बैठ कर आते हैं? ये बात घोड़े पर, असत्य घोड़े के पास मैडम जी, ये देखिएगा घोड़ा चल रहा है, चारों पैरों की आवाज लगाओ, किस तो घोड़ा चलाता कैसे। Excuse me, hello, सर ये बंदर असली है? ये बंदर असली है। हाँ सर, थर्माकोल का नहीं है। मेरे सभी टूरिस्ट ध्यान देंगे सभी लोग, एक्सक्यूज मी जरा सा नीचे आ जाए, 100-100 ग्राम आप लोग जी। ये वही तालाब है जिसमें देवदास पिक्चर में शाहरुख खान ने डुबकी लगाई थी। अब आप सोच रहे हैं कितने गंदे पानी में शाहरुख खान डुबकी लगाएंगे, तो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, उस पिक्चर के लिए पूरा पानी चेंज करके बिस्लेरी डाला था जी। हाँ नहीं, पहले सस्ता था, अभी महंगा हुआ है, ठीक है। इसी तालाब में ज्यादातर सीरियल में लाशें मिलती है, जैसे सावधान इंडिया, CID, क्राइम पेट्रोल होता है, ठीक है। हर पिक्चर हर सीरियल का जो सीन होता है तालाब में डूबने का या क्राइम वाले सीन, ज्यादातर यहीं के हो जाते हैं। ये तालाब असली है, ठीक है। सामने वाला मैदान देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पुरानी फिल्मों में गुंडे डाकू लोग के अड्डे होते थे, विलेन बोलता था आज मेरा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, अब खुद आते थे 2000 पर डे के हिसाब से, खाली डायलॉग होता था उनका, ठीक है जी। यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई, अभी कुछ दिन बाद एक फिल्म रिलीज होने वाली है रणवीर सिंह की, फिल्म का नाम है जैस भाई जोरदार, उसके लिए पूरा यहाँ पे गाँव का सेट लगाया था, ठीक है। प्लीज हम लोग आगे चलेंगे, और जो हमारे अशोक भाई के टूरिस्ट हैं, एक्सक्यूज मी हेलो, तो वो लोग गाड़ी में बैठेंगे और हमारे टूरिस्ट आगे चलेंगे जहाँ पे शूटिंग कर लेंगे। प्लीज जाना चाहिए, मैंने सीन कब आएगा टीवी पर, एक हफ्ते में जब ये आपके घर पे सीन आएगी तो आप कह सकते हैं हमने देखा था ये सीन, है ना। बने 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 ब
फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ गए हैं फिल्म सिटी के उस फिल्मी मंदिर में जिसे बहुत सारे मूवी सीरियल्स में अक्सर आपने देखा है, जैसे कुछ कुछ होता है, आमिर खान की मूवी दिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और बहुत सारे सीरियल्स में इस मंदिर को आपने देखा है। हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आप मैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर चल के मंदिर के अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए इन सीढ़ियों को, इस मंदिर को आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर अभी शूटिंग चल रही है। देखिए आप, यहाँ पे सेट लगा हुआ है, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है यहाँ पर, और देखिए पूरा फिल्म का कास्ट यूनिट यहाँ पे मौजूद है, पूरा सेट यहाँ पे लगाया गया है। इस वीडियो में आपको लाइव शूटिंग देखने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से शूटिंग की जाती है। ये देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल मूर्ति, यहाँ पर नगाड़े और पत्थर वगैरह यहाँ से बनाए गए हैं। सामने देखिए पूरी यूनिट मौजूद है, ये पिलर्स आर्टिफिशियल खड़े किए गए हैं। मंदिर लेकिन ओरिजिनल है दोस्तों, ये मंदिर परमानेंट है, इसमें शूटिंग की जाती है। ये सीढ़ियाँ जिससे चढ़कर हम ऊपर आए हैं, और सामने आप मैदान देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है दोस्तों। ये पत्थर नहीं है एक्चुअली, ये थर्माकोल का बनाया हुआ पीस है, और देखने में एकदम ओरिजिनल पत्थर की तरह दिखता है। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं थर्माकोल है जिसको कलर किया गया है, और देखने में पूरा ओरिजिनल पत्थर की तरह यह दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, यह इतना हल्का है लेकिन आपको देखने में महसूस होगा जब आप इसको, आप जब देखेंगे सीरियल देखेंगे आप टीवी पे, तो आपको लगेगा ओरिजिनल पत्थर है, लेकिन ये थर्माकोल का बनाया गया है। और इसी प्रकार से सारे सीन क्रिएट किए जाते हैं। ये जो नगाड़े आप देख रहे हैं ये भी डुप्लीकेट हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाइव शूटिंग चल रही है, सामने यूनिट है, कास्ट है। ये देखिए, यहाँ पर सीरियल की शूटिंग शायद चल रही है, एक्ट्रेस वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं। हम आपको जितना हो सकता है कोशिश करेंगे आपको शूटिंग दिखाने की। वैसे तो परमिशन नहीं होती किसी शूटिंग की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम आपको जितना पॉसिबल हो सकता है दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारा सीन क्रिएट किया गया है, शायद किसी सीरियल का सीन यहाँ पर चल रहा है। मंदिर को उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया, मंदिर के अंदर हमें जाने नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस मंदिर के अंदर कोई भी देवी देवता नहीं है, यह केवल एक फिल्म का सेट है जिसे शूटिंग करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और जब कभी भी डायरेक्टर्स को जिस प्रकार का भी सीन क्रिएट करना होता है, जिस भी भगवान का मंदिर दिखाना होता है, उस भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगाकर शूटिंग कर ली जाती है, और बाद में फिर उस मूर्ति को हटा दी जाती है। तो दोस्तों, यह एक फिल्म का सेट है, यह कोई परमानेंट मंदिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मंदिर से बाहर चलते हैं और देखते हैं आगे की और लोकेशंस। फ्रेंड्स, अब जिस लोकेशन में हम आपको लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए दिखाते हैं। इस बिल्डिंग को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि इसे आपने फिल्मों में देख चुका है। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, इस गार्डन पर कभी बिखरे थे होली के रंग। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बागवान याद है ना, बागवान फिल्म में इसी मकान को अमिताभ बच्चन जी का घर बताया गया है, और यहीं पे खेली गई थी होली। दोस्तों, होली खेले रघुवीर गाने की शूटिंग इसी गार्डन पर की गई थी, और इसी बिल्डिंग को बताया गया था फिल्म सिंघम में स्कूल, जहां पर जयकांत सिकरे दौड़ते हुए जाते हैं, और यही मकान बना था फिल्म कोई मिल गया मैं, ऋतिक रोशन का घर, जहां पर रेखा और ऋतिक रोशन रहते थे। बिल्डिंग देखने में तो ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी मटेरियल से बनाया गया, आप देख सकते हैं प्लाईवुड और पुट्टी का कमाल है, पर देखने में पूरी ओरिजिनल बिल्डिंग लग रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और दिखाते हैं अमिताभ बच्चन जी के बागवान का घर अंदर से। तो चलिए अंदर चलते हैं। लेडीज आगे आ जाइए, जेंट्स पीछे रहेंगे, ठीक है? जब तक आप जिंदा रहेंगे इसके बारे में सोचेंगे 100% हंसी आ जाएगी आपको। अगर हंसी आए ना तो धीरे धीरे में हंसी, अगर ठीक है, साउंड कम करके। ये फिल्म आई थी बागवान पिक्चर, देखी आपने? ये उसी का बंगला है, बागवान पिक्चर का, कोई मिल गया मेरे ऋतिक रोशन का बंगला है। आइए अंदर चलते हैं, कह सकते बागवान में गए थे हम लोग। साइलेंस कंट्रोल हो जाए।
तो ये है बागबान का बंगला जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। बाहर में किरान वाला कैमरा रहता है, किरान जानते जो ऊंचे पे ऊपर से कैमरा लेते हैं तो ऐसे लगता है किसी के बंगले में आ रहे जा रहे हैं एक्टर, ठीक है। फिर अंदर की सीन क्या होती है स्टूडियो में, ठीक है। हम बाहर में फोटो खींचेंगे अपनी, ठीक है, प्लीज चलिए। अच्छा लेडीज एक्सक्यूज मी, बस के बारे में जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं? मजाक कर रहे हैं। 189 कहते हैं इसे। इसके अंदर में एक्टर का ड्रेस चेंज होता है, मेकअप होता है, खाने की सुविधाएं होती है, एसी बस होती है, सबसे बड़ी बात। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शूटिंग एसेसरीज रखी हुई हैं, जैसे ये क्रेन है जहाँ पे ऊपर से कैमरामैन शॉट लेता है, और भी चीज़ें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ट्राईपॉड से प्लेट रखी हुई हैं, यहाँ पे कोई शूटिंग का काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक सीन फिल्माया गया था, फिल्म कोई मिल गया का, जहाँ पे ऋतिक रोशन मटका फोड़ते और सुबह वो मटका जुड़ जाता है, यहीं पे वो सीन लिया गया था। वहाँ पे क्या वो सीन हुए थे बताइए उस स्टूडियो पर? मटका फोड़ते हैं, ये बात एकदम सही। रात में मटका फोड़ा जाता है और सुबह अपने आप जुड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर लाइव शूटिंग चल रही है, पूरा सेटअप लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और जो रेड ड्रेस में जो एक्ट्रेस है वो नायरा है, और ये शूटिंग है स्टार प्लस के टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा शूटिंग लाइव अपने वीडियो के माध्यम से। आप लोग एक जमाने से बताइए यहाँ पे क्या होता है? ये भी कॉमेडी है जी। हीरोइन यहाँ पे खड़ी होती है, साथ में गंदी सी आंटी होती है, बातचीत करी धक्का दे दिया, कोई मरता नहीं, सब केबल से बंधे होते वापस आ जाते हैं, फिर वही लड़की चार पांच एपिसोड बाद जिंदा होती है। दोस्तों सामने आप जो सीन देख रहे हैं, जो लेक देख रहे हैं, जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत सारी मूवीज़ में इस लोकेशन से सीन फिल्माए गए हैं। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, अगर आपने क्रिस मूवी देखी है तो एक न्यूजीलैंड का सीन फिल्माया गया है जहाँ पे ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा खड़ी हुई होती हैं, और पीछे का व्यू ये होता है। यह एक्चुअली इसी जगह का सीन है दोस्तों, लेकिन मूवी में उसे न्यूजीलैंड दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म सिटी का ही दृश्य है, और इस लेक के उस तरफ है हीरा नंदानी जो कि पवई में स्थित है। दोस्तों अगर आप कभी मुंबई घूमने आते हैं तो हीरा नंदानी पवई ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हीरा नंदानी पवई मुंबई का इंग्लैंड या लंदन आप कह सकते हैं। जब कभी भी मूवी में लंदन इंग्लैंड या फॉरेन के सीन लेने होते हैं तो वो हीरा नंदानी पवई में ही फिल्माए जाते हैं। दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार से, जिनका नाम है मगन। दोस्तों ये जेठालाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, और सीरियल में इनका नाम मगन होता है। ये नट्टू काका और बाघा के साथ जेठालाल जी की दुकान में काम करते हैं। जल्दी काले भाई, बाबूजी बताइए किसकी आवाज है? आप रहते मलाड में, मैं कलकत्ते में रहता था, बंबई में नारियल पानी बेचा, आप बताओ किसकी आवाज है ये? एकदम सही पहचाना, मैं मिथुन अगरबत्ती, कोई शक? क्या आवाज है? फिल्म सिटी देख के निकल रहे तो आवाज सो पहचान ली होगी। संजीव एकदम सही। अरे मैं जानता हूँ कि लोग फिल्म सिटी देख के निकलते हैं तो आवाज तो पहचान दोगे। बाबू जी बताओ किसकी आवाज है? अशोक कुमार। अब जो आवाज निकाले जा रहे हैं मेरे गुरु जी, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, सो पहचान सकते कौन है ये? यार क्या बात, तेरे बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। मैडम जी काली में बचा लिया आपने, अब्बा डब्बा चप्पा कोड वर्ड में बोल के गई है, पहले अब्बा को बनाना फिर डब्बा फिर चप्पा, अच्छा पहचान लिया जी। और ये कौन है? एक एक्ट्रेस दुनिया में नहीं है सर जी, उनकी आवाज मेरे पास रह गई है, पहचानी कौन है ये? हाँ मैं जानता हूँ, फिल्म सिटी खत्म होने जा रही है, मुझे मालूम है आवाज पहचान ली होगी, कौन है ये? बहुत पुराने एक्टर है सर, जीवन साहब।
कभी आप लोग का मूड डिस्टर्ब है, आपके घर पे पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है और उस वक्त हंसना है, तो हल्के से आंखें बंद कीजिएगा, हमें याद कीजिएगा और बागबान का बंगला याद कीजिएगा। ये वाली हंसी आएगी, कैसा लगा बंगला याद है आपको जी? चलिए ये टूर यहीं पे समाप्त तो रहे, खुश रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, अपने आसपास में सफाई रखें, सफाई रखने से अच्छे इंसान की पहचान होती है, और मौका मिले तो फिल्म सिटी जरूर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज जाते वक्त अपने बैग मोबाइल पर्स याद करके लेते जाइएगा, और चिप्स के पैकेट खाली बोतल वहीं छोड़ दीजिएगा, उसे मेरे आदमी साफ करेंगे। जी हाँ, प्लीज बैग मोबाइल देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।